हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हंस माली और आप देख रहे हैं हंस माली डांस। तो आज हम सीखने वाले हैं शाहरुख खान की मूवी चक दे इंडिया से बहुत ही ज़्यादा फेमस सॉन्ग, जो आप सभी ने सुना ही होगा। मैंने एक वीडियो बनाया था चक दे इंडिया सॉन्ग के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, मतलब मेरे लिए तो वायरल ही होगा। उस पर 60K प्लस व्यूज़ थे, जो कि मेरी लॉन्ग वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ है। तो मैंने सोचा इस पर ट्यूटोरियल बनाया जाए और आपको भी ये डांस सिखाया जाए। तो जो कोई भी चैनल पे नया आया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चक दे इंडिया में स्टार्टिंग म्यूजिक आया है, जिसमें आपको राइट हैंड राइट लेग यूज करना है और राइट की साइड। तो सबसे पहले फर्स्ट आपको 8 बार क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन सेम स्टेप आपको लेफ्ट साइड भी करना है, ये भी 8 टाइम ही होगा। क्या करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना समझ में आया, इन दोनों को साथ में करते हैं, 8 टाइम इधर करना है राइट साइड एंड 8 टाइम लेफ्ट साइड, कंटिन्यू में होगा। ये म्यूजिक है, स्टार्टिंग का म्यूजिक है, इसमें आपको ये वाले स्टेप करना है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये यहाँ पे आपका म्यूजिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, जहाँ पे वर्डिंग आएगी। तो फर्स्ट स्टेप आपका होगा 1 करना है, 1 2 3 4। फोर्थ स्टेप होगा, फर्स्ट का क्या करना है आपको, 1 2 3 4। इसमें वर्डिंग आएंगे, कुछ करिए कुछ करिए, 4 टाइम ये करना है। इसके बाद आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट में 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार और बिना म्यूजिक के करते हैं काउंटिंग के साथ। फर्स्ट में आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। अब इस वाले स्टेप में म्यूजिक आएगा। लास्ट टाइम हम इसको एक बार और कर लेते हैं, ताकि आपको पूरा अच्छे से क्लियर ही हो जाए। तो फर्स्ट आपको करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वाली जो स्टेप है 2 टाइम्स होगी, 2 टाइम्स ये वर्डिंग आते हैं। तो 2 टाइम्स आपको कंटिन्यू 2 बार ये वाले स्टेप करना है। तो एक बार म्यूजिक के साथ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, कुछ करिए, नस नस में खोले, कुछ करिए, 4 टाइम, कुछ करिए, नस नस में खोले, कुछ करिए। ये लास्ट वाली स्टेप आपको 4 टाइम करनी है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब आपकी नेक्स्ट स्टेप है पंजाबी स्टेप है, जो आपको सबको आती होगी। तो फर्स्ट आपको लेग बताता हूँ, लेग अच्छे से ध्यान से देखना। तो फर्स्ट लेग है 1 2 3 4 5 6 7 8, और हैंड्स का यूज होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों स्टेप को एक साथ करेंगे तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नेक्स्ट वर्डिंग का, वो वर्डिंग मुझे क्लियर याद नहीं है, इसलिए आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। तो ये स्टेप हो गया आपकी 4 टाइम, 1 2 3 4, और एक तरफ 2 टाइम्स है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार और आपको क्लियर कर लेता हूँ। फर्स्ट आपको क्या करना है, लेफ्ट के साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट के साइड से स्टार्ट करना है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसके बाद आएगा म्यूजिक, चक दे मचक दे पिंग
इंडिया दे चक दे मचक दे इंडिया दे अगेन दो बार हो रहा है तो उसमें अपने को आगे जाना है फर्स्ट आपको आगे जाना है चक दे मचक दे इंडिया दे पीछे चक दे मचक दे इंडिया तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा तो लास्ट वर्डिंग चक दे मचक दे इंडिया तो वो बहुत ही सिंपल है कुछ ज्यादा कुछ नहीं है तो लास्ट से जब आपकी जंग खत्म हो रही है क्या करना है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 देन उसके बाद चक दे मचक दे इंडिया फर्स्ट ये करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है राउंड लेना है 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 then 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 फोर टाइम आएगा चलते बचते इंडिया फोर टाइम होता है तो उसमें अपने को ये वाली स्टेप करना है तो पहले वाली स्टेप को और सेकंड वाली स्टेप को दोनों को एक साथ करना है तो आपको क्या करना है फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 then drop 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 then again 1 2 3 4 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 आई होप आपको सारी स्टेप समझ में आई होगी बहुत ही सिंपल स्टेप है ज़्यादा टफ नहीं है आप आसानी से कर सकते हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू।